नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत स्तरीय भर्ती 2024 मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन एकदम निःशुल्क है। पद, क्वालिफिकेशन, सैलरी, संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट, योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पोर्टल की ओर। सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है एम राशन, एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो है वो एमपी मध्य प्रदेश सरकार का ऑफिशियल पोर्टल मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र यहाँ पर लिखा जाएगा। पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ के सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस होगा, इसे कट कर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो उचित मूल्य दुकान, नवीन उचित मूल्य दुकान है आवंटन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों में ये भर्ती निकली है नवीन दुकान के लिए। तो इसमें आप जरूर से आवेदन कर सकते हैं। और इनकी देखिए यहाँ पर जैसे ग्वालियर में है जनपद पंचायत में, और गाँव का नाम है काशीपुरा। यहाँ पर चिन्हित की गई थी 14/11/2024 को नवीन दुकान। तो इसके 14/11/2024 से 27/11/2024 तक इसके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते नहीं आ रहा है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रह गई है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बस आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, 8वीं 10वीं यहाँ पर मांग रहे हैं और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन करते नहीं आ रहा है तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम उसका वीडियो लेकर आपके साथ सामने जल्द उपस्थित हों कि हम इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मंदसौर जिला है, खरगोन जिला है, हरदा जिला है, नर्मदापुरम है, छिंदवाड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जिले देख जाएंगे और यहाँ पर कौन कौन से जनपद पंचायत है, कौन कौन से ग्राम है, ग्राम पंचायत या वार्ड है, तो सभी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चले जाना है फिर से होम पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो होम पेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर होम पेज पर जाने के बाद एक बार और होम पेज पर क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ से आपको चले जाना है, इस पर दबा देना है। ठीक है, होम पेज पर आप पूरे होम पेज पर आ जाएंगे। देखिए होम पेज ये रहा, और आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सभी विज्ञप्ति देखे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी विज्ञप्ति देखे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको चले जाना। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वही ऑप्शन खुल गया आपके सामने। ठीक है, अब आपको चले जाना है, जैसे आपको अब देखना है कहाँ पर कि आपके जिले में यह भर्ती निकली है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जैसे नर्मदापुरम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नर्मदापुरम में डाल देते हैं। अब जनपद पंचायत आपको नहीं देखना, डायरेक्ट आपको देखना है नर्मदापुरम में किसकी जनपद पंचायत में निकली है। तो यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर विज्ञप्ति देखे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि नरसिंहपुर में कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम नर्मदापुरम में देखेंगे तो यहाँ पर हम नर्मदापुरम में चले जाते हैं। ठीक है, ये रहा नर्मदापुरम, और इसमें आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद विज्ञप्ति देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनपद पंचायत बाबई में यह निकली है। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विज्ञप्ति देखे ऑप्शन पर इस क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नर्मदापुरम, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसी प्रकार से जैसे कि हमने हरदा का एक भी देखा था, तो यहाँ पर हरदा का अगर हम देखना चाहते हैं तो हरदा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं कि जनपद पंचायत में चाहिए तो हमको टिमरनी में देखना है, टिमरनी में यहाँ पर हम चले जाते हैं। ठीक है, टिमरनी के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना, अगर होगा तो यहाँ पर नीचे सो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर था तो हमें यहाँ पर शो हो गया है। अब इसका देखना चाहते हैं कि आपको विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टिमरनी जिला है ना। तो यहाँ पर आपको पूरे ये देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो उस प्रकार से अगर आपके जिले में भी निकली है तो यहाँ से आप अपना जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। और यह आपको देखना है कि आपके आपके जनपद पंचायत में निकली है कि नहीं, तो आपको जनपद पंचायत सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम नगर हमारे क्षेत्र में देखें सिराली में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर होगी तो बता देगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर नहीं तो हमें कोई ऑप्शन यहाँ पर नोटिस नहीं दिया, अगर अगर होती तो यहाँ पर हमें बता देता। तो इस प्रकार से आप अपने जिले की देख सकते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आदेश निकला जाएगा।
तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 20 जिले में ये भर्ती निकली है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।